आपको किस काम में आता है? इस सवाल का जवाब सब लोगों के पास में अलग अलग होता है कि उनको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी का जवाब होगा कि भैया उनको सोने में बहुत मजा आता है, बस मन करता है कि सारे दिन सोते रहो, सुबह आराम से उठो, जब मौका मिले तब सो जाओ। किसी का जवाब होगा कि उनको घूमने फिरने में बहुत मजा आता है, बस हमेशा घूमते रहो, बाहर खाते पीते रहो, मूवी देखते रहो। किसी का जवाब होगा कि उनको फोन पे बातें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बस किसी ना किसी का ना फोन आता रहना चाहिए बात करने के लिए। किसी का जवाब होगा कि उनको मोबाइल चलाने में बहुत मजा आता है, सोशल मीडिया चलाने में बहुत मजा आता है, दूसरों की जिंदगी में झांकने में बहुत मजा आता है, फोटो को लाइक करने में बहुत मजा आता है, दूसरों की स्टेटस देखने में बहुत मजा आता है। मजा हम सबके मजे अलग अलग कामों में होते हैं, हम सबको अलग अलग काम में अलग अलग तरह का मजा आता है। अगर आपको हर सुबह अपने सपनों के लिए मेहनत करने में मजा आता है तो ये जो मजा है ना वो आपको दुनिया के सबसे बेस्ट मजे दिलवा के रहे। अगर आपको हर सुबह जल्दी उठ करके अपने काम में लग जाने में सबसे ज्यादा मजा आता है तो ये जो मजा है आपको वो सब हासिल करके देगा जो आपने कभी हासिल करना चाहा होगा। मेहनत करने में जिसको मजा आता है ना उस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आज की सुबह के बाद में आपको और कितनी सुबह मिलने वाली है आपकी जिंदगी में, कितनी शामों को आप ढलता हुआ सूरज नहीं देख पाओ, ये ना तो आपको पता है, ना आपकी फैमिली को पता है और ना ही आपके गुरुजी को पता है। किसी को कुछ नहीं पता कि अगले एक घंटे में हमारी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। लाइफ इज मोस्ट अनसर्टेन थिंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में इंसान की जिंदगी एक ऐसी चीज है ना जिसमें अगले पल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। नए मोबाइल की गारंटी रहती है 1 साल की, नई गाड़ी की गारंटी रहती है आपको 3 साल, हर चीज की गारंटी मिल जाएगी आप 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की। और जिंदगी ऐसी चीज है ना जिसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता, अगले सेकंड के भी नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी आपको गारंटी नहीं दे सकता जिंदगी, और ना ही जो मोस्ट एडवांस मेडिकल टीम है ना वो भी आपको जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आज आपको ये सुबह मिली है देन इट मींस कि कल आपको नहीं पता था कि ये सुबह मिलने वाली आप, बट अगर आपको ये सुबह मिली है ना तो आप बहुत बड़े लकी इंसान, क्योंकि लाखों लोग ऐसे इस दुनिया में जो आज की सुबह नहीं देख पाए और आज की शाम तक उनको या तो जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे गायब होंगे ना दुनिया से, उनका नाम निशान भी नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, कहीं आग में जल जाएंगे। लाइफ इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग। यू कैन नेवर एवर प्रेडिक्ट कि आप कितने और ज्यादा दिन जीने वाले हो, बट आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो वहां पे रहूंगा, उस पोजीशन पे रहूंगा। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर 5 साल बाद में जिंदा रहूंगा तो मैं अपनी मंजिल के इतना पास पहुंच चुका हूं। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि अगर आज की तरह आप कल की सुबह भी देख पाएंगे तो कल भी आप जम करके मेहनत करेंगे। अगर आपकी सांसें चल रही है तो समझो ऊपर वाले ने आज सुबह आपको एक नया जीवन दान दिया है कि आज का दिन और है तेरे पास। और अगर आज का दिन है ना तो फिर इस दिन को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान कर दो। अगर आपको आज का दिन मिला है तो आपको हर सेकंड यूज करने के थॉट के अलावा कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके मन में, आपके दिमाग में। ये जो लक है आपके आज जिंदा रहने का, लिसन माय डियर, वो लक हमेशा काम नहीं करेगा। जिंदगी में केवल एक ही लक होता है कि आप जिंदा हो या मुर्दा, क्योंकि इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पिंजरे में हम रोटी का टुकड़ा डालते हैं ना किसी चूहे को पकड़ने के लिए, तो चूहा भले 2-4 बार बच जाए लेकिन लास्टली वो पिंजरे में फंसी जाएगा। आपको नहीं पता कि आपकी सांसें कब कैद होने वाली है, इसलिए जब तक जी रहे हो ना जिंदा रहकर जिंदगी जियो। जब तक जी रहे हो जिंदा रहकर जिंदगी जियो। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदा लाश बनने के लिए नहीं मिली। ये जिंदगी कुछ ऐतिहासिक काम करने के लिए मिली है, ऐसे टाइम की फिजूल खर्ची करने के लिए नहीं मिली। अगर आप कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं आए होते ना तो आज आप इंसान नहीं होते, कीड़े मकोड़े हो सकते थे। आपको ये लाइफ, आपको ये बॉडी, आपको ये सांसें केवल इंसान के रूप में क्यों मिली, इस चीज को समझो। यू मस्ट हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर योर लाइफ, यू मस्ट हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर द गॉड, यू मस्ट बी थैंकफुल टू द गॉड कि आपको ये जिंदगी मिली है, आप जिंदा हो। आपको थैंकफुल रहना चाहिए कि आपके पास में इंसानी जिस्म है, इंसानी दिल है, इंसानी दिमाग, इंसानी सोसाइटी है, इंसानी प्रिविलेज है। यू आर बॉर्न विद अ प्रिविलेज बिकॉज यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन। अगर आप इस नेचर में इंसान बनकर के आए हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और आपको इस नेचर को, इस वर्ल्ड को कुछ एक्स्ट्रा देकर के जाना पड़ेगा अगर आप इंसान बनकर आए हो तो। यू मस्ट नॉट बी सेल्फिश टुडे। आपको आज केवल खुद के बारे में नहीं सोचना, आपको आज इस पूरी दुनिया के बारे में सोचना है कि हम कैसे इंसानियत को अगले लेवल पे ले जा सकते हैं, हम कैसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप आज जीतोगे ना तो सफलता पाकर के लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करोगे, और अगर आज आप हारोगे तो एक उदाहरण बनकर आप जैसे कई और दूसरे लोगों की मदद करके उनका मसीहा बनोगे। नुकसान कहीं भी नहीं है, ना जीतने में है नुकसान और ना ही हारने में। अगर नुकसान है ना कहीं पर तो वो केवल और केवल कोशिश नहीं करने में। सिटिंग आइडल इज बिगेस्ट लॉस फॉर यू। बिना किसी काम के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मोटिव के आपका व्यर्थ बैठना सबसे बड़ा लॉस आपके लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आज के दिन में आप खुद को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो या फिर अपने इस आलस के घेरे को तोड़कर इसके बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हो। आपको अपने ही वो नियम तोड़ने पड़ेंगे जो आपने अपने खुद के लिए सेट कर रखे। यू हैव टू ब्रेक योर ओन रूल्स, योर ओन बैरियर्स, योर ओन लिमिट्स, एंड इफ यू ब्रेक योर ओन लिमिट्स देन देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग। चाहे वो पैसे हो, ओहदा हो, नौकरी हो, रिश्ता हो, ऐसी कोई चीज नहीं इस दुनिया में जो इंसान को नहीं मिल सकती अगर वो हाथ धोकर अपनी किस्मत को चमकाने के पीछे ना पड़ जाए। सपने उनको हासिल होते हैं जिनके इरादों में जान होती है, और जो चुनौतियों को हरा कर सफलता हासिल करते हैं ना उसी की जिंदगी में शान होती है, उसी की जिंदगी महान होती है। दुनिया के कदम कदम पर आपको मुसीबतें मिलेगी, दुनिया के लोग आपको कदम कदम पर रोकने की कोशिश करेंगे, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिगाड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर ये दुनिया आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करे तो फिर आप ये मान लेना कि ये दुनिया आपसे पीछे है, तभी आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तभी आपको रोकने की कोशिश कर रही है कि भैया इतनी आगे मत चलो। लिविंग इन द मोमेंट इज बिगेस्ट पॉलिसी टू लिव द लाइफ, एंड लिविंग फॉर अ रीजन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। भले ही छोटा हो लेकिन मकसद होना चाहिए, भले ही मुश्किल हो लेकिन एक मकसद तो होना चाहिए जिसके लिए आप हर पल सांस लें, जिसको आप हर पल विजुलाइज कर सके, जिसके लिए आप मर सके। एवरी डे एवरी मॉर्निंग यू मस्ट से टू योरसेल्फ कि आज अगर जिंदा हूं तो केवल और केवल अपने मकसद के लिए जिंदा हूं। अगर कल को मौत भी होगी तो केवल मकसद के लिए लड़ते हुए मौत हो। क्या होगा जो अगर लक्ष्य के लिए लड़ते लड़ते मौत आ जाएगी? वैसे भी दुनिया में हर दिन तो कोई ना कोई मरता ही है, एक दिन हम भी मर जाएंगे, ऐसे नंबर आ जाएगा अपना भी। तो अच्छा होगा ना कि काम करते हुए मरे। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इंसान ज्यादा खाने से मर सकता है, ज्यादा पीने से मर सकता है, ज्यादा सोचने से मर सकता है, ज्यादा टेंशन लेने से मर सकता है, लेकिन खुद के सपनों के लिए मेहनत करने से कभी नहीं मर सकता। आपको आज का दिन चाहे कितना ही मुश्किल मिले लेकिन उतना मुश्किल वक्त नहीं होगा जितना मुश्किल वक्त आपकी माँ के लिए उस टाइम था जब आप पैदा हो रहे थे। हर दर्द का अंत एक सुख के साथ में पूरा होता है। अगर आज सुबह आप बहुत ज्यादा दुखी होना तो कभी ना कभी वो सुबह जरूर आएगी जब आप आज से ज्यादा बेटर।
जिसके दामन में कभी कोशिशें खत्म नहीं होती ना, उसकी जिंदगी में मुश्किलें छोटी पड़ने लग जाती है, मुश्किलें खत्म होने लग जाती है। हो सकता है आज आपके साथ कोई भी ना हो, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, लेकिन ये दुनिया की रीत है कि जब आप अपने मकसद में सफल हो जाओ तो लोग आपसे टिप्स लेने आएंगे, गाइडेंस लेने आएंगे, भैया हमें बता दो तुमने कैसे किया है। ये भेदभाव का सिलसिला तब तक चलता है जब तक आप कुछ ऐसा अचीव नहीं कर लो जिसके बारे में दुनिया सोच भी ना सके कि आप ऐसा भी कर सकते थे। वक्त को बदलने में वक्त को भी वक्त लगता है, लेकिन वक्त को बदलना तब शुरू करता है जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। अच्छा वक्त तब आना शुरू होता है जब आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देख चुके होते हैं। जब आपको मुश्किलों से लड़ने में मजा आने लग जाए ना, तो मुश्किलें भी समझ आती है भैया यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ से चलो किसी और को परेशान करते हैं। ये दुनिया चाहे आप पर कितनी ही चिल्लाए, आप ये याद रखना कि चिल्लाता वही है जो पीछे रहता है। समझदार लोग तो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं और उन पर किसी के चिल्लाने का असर भी नहीं पड़ता। आपको अपने आप से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि चाहे जो भी हो, लेकिन आज के जो अमूल्य 1440 मिनट आपको मिले हैं, इनमें से जितने भी मिनट अब आपके पास बची है, उन मिनट्स को आप केवल और केवल अपनी मंजिल को अचीव करने में ही खर्च करें। आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि चाहे सूरज पश्चिम से उगना शुरू कर दे, लेकिन आप अपनी राह से नहीं भटको। इस दुनिया में किसी भी भटकाने वाले से आप अपनी राह को नहीं छोड़ोगे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, कुछ बड़ा करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।